17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 15 दिनों तक जितने आवेदन आएंगे वो पैक्सों को जाएंगे, तो 15 दिन के बाद पैक्स को उनको मेंबर बनाना है। उसमें जो लोग भी वंचित रह जाएंगे तो उसकी भी व्यवस्था है और उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाने की परिकल्पना और सरकार और विभाग विचार करती है। सरकार का लक्ष्य है कि हर एक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति सदस्य बने पैक्स का। महिलाएं इसमें और आगे आएँ, इस तरह की हम लोग योजना भी करते हैं। और इसी के तहत हम लोगों ने पैक्सों को भी प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना हमारी लागू है। इस बार जो पैक्स सभी क्षेत्रों में जो मापदंड हम लोगों ने विभाग ने तय किया है, जिन पैक्सों का कार्यकलाप अच्छा होगा तो राज्य स्तर पर ऐसे 3 पुरस्कार हम लोग देंगे। आज मैंने प्राधिकार के अधिकारियों से वार्ता भी की है और उनसे कहा है कि आप नवंबर तक चुनाव संपन्न करा लें। और आपको स्मरण होगा कि पिछला पैक्स का चुनाव 7 चरण में हुआ था, लेकिन हम लोगों ने इस बार उनको सुझाव दिया है कि वो चरण भी आप 3 से 5 चरणों में आप पैक्स का नवंबर तक पैक्स का चुनाव संपन्न करा लें। ऐसा सुझाव हम लोगों ने प्राधिकार को दिया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि नवंबर तक ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तब सरकार की जो योजना है पैक्सों के कंप्यूटरीकरण की, कृषि संयंत्र की और पैक्स को जो सशक्तिकरण जो हम क्रमशः कर रहे हैं उसमें और तेज गति से हम लोग उसका भी उस पर कार्रवाई करेंगे और वो काम भी हम लोग करेंगे। योजना है वेजिटेबल सब्जी प्रसंस्करण, जो हमारा बहुत ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आपको ज्ञात होगा 5 जिलों में योजना चल रही है, 97 प्रखंडों में प्राथमिक स्तर की हमारी समितियां बन गई है। लेकिन हम लोगों ने शुरुआती चरण में पटना में भी हमारे 12 मोबाइल वैन चल रहे हैं। आपको सचिवालय के पास भी हमारा लगता है एक वैन। लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि जो गति हम देना चाहते हैं, जैसे बिहार का सब्जी उत्पादन में 3रा स्थान है देश, बहुत ऑर्गेनाइज्ड अभी तक हम लोग नहीं कर पाए, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं तेजी से। लेकिन हम लोगों ने ये कल ही मैंने पत्र लिखा है भारत सरकार के माननीय पशुपालन मंत्री जी को कि जो इसमें एक्सपर्ट लोग हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, सफल मदर डेयरी, ये सब जो अच्छा काम किया उन लोगों ने, तो उन लोगों से मिल के बात करके उनका अनुभव लेके और उनका सहयोग लेकर ये हमारा वेजिटेबल कोऑपरेटिव भी जो है, तरकारी जो हमारा ब्रांड नेम है जिसको कम फैट की तरह हम लोग और विकसित और बढ़िया करना चाहते हैं, बिहार के गौरव के रूप में हम लोग उसको स्थापित करना चाहते हैं।